अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कुक विद सदफ। आज हम बना रहे हैं मटन स्कीवर्स, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लीजिए मैंने मटन बोनलेस 1/2 kg, 2 चम्मच दही, 1 चम्मच लेमन जूस, लेमन जूस ना हो तो आप सिरका ले लें, कुटी लाल मिर्च 1/2 teaspoon, पिसी लाल मिर्च 1 teaspoon, अनियन पाउडर 1 teaspoon, नमक 1 teaspoon, अजवाइन 1/2 teaspoon, सिट्रिक एसिड यानी टार्टरी 1/2 से थोड़ा कम teaspoon, जर्दा फूड कलर 1/4 teaspoon, मीट टेंडराइजर पाउडर, पाकिस्तान में और इंडिया में इसको कचरी पाउडर कहते हैं और बाहर के मुल्कों में मीट टेंडराइजर पाउडर बोलते हैं, और इसकी जगह अगर ये ना हो तो आप पपाया पेस्ट भी ले सकते हैं 1 teaspoon, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1 tablespoon, धनिया पाउडर 1/2 teaspoon, जीरा पाउडर 1/2 teaspoon, गरम मसाला पाउडर 1/2 teaspoon। अब मटन को मैरिनेट करते हैं, सारे मसाले मटन में शामिल कर देते हैं। मैरिनेशन के बाद या तो आप इसको ओवरनाइट रखें या तो कम से कम 5 से 6 घंटे तो जरूर रखें मैरिनेट करके, और इसमें फूड कलर इसलिए डाला है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। सारे मसाले शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। देखिए फूड कलर डालने से कितना प्यारा कलर आया है। अच्छी तरह से इस सारे मसालों को मटन के साथ मिक्स करना है ताकि ये ना हो कचरी पाउडर कहीं कम रह जाए और कहीं ज़्यादा रह जाए, तो फिर वो मटन जब गलते वक्त एक जैसा नहीं गलेगा। अब इसको मैरिनेट करके रखती हूँ मैं, या तो ओवरनाइट या 5 से 6 घंटे रखूँगी फ्रिज में निचले खाने में, और फिर मिलते हैं। देखें कि मैंने 5 घंटे बाद फ्रिज से निकाल लिया मटन मैरिनेट किया हुआ। अब इसको यहाँ पे मैंने स्क्यूअर्स रखी हुई हैं, स्क्यूअर्स पानी में भिगो के अब ये मटन पीसेस को स्क्यूअर्स पे लगाऊंगी, और ऐसे पैन में हल्का सा ऑयल लगा के 1/2 teaspoon फिर इसमें सारी ये स्क्यूअर्स रखते जाएंगे, और इसको रखेंगे हल्की आंच पे, ढक्कन लगा के गल जाएगा बड़ी आसानी के साथ 15 से 20 मिनट में। ये देखें तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, मटन अच्छी तरह से गल गया। अब यहाँ पे साइड एक चला लिए बर्नर, और इस पे ऐसे एक स्क्यूअर्स हाथ में पकड़ के उस तरह से इसको ग्रिल करेंगे ताकि अच्छा सा बारबेक्यू जैसा फ्लेवर आ जाए। ये बहुत ही मजे के मटन स्क्यूअर्स बनती हैं। और फिर जो बाकी मसाला बचेगा पैन में, उसमें ऐसे गोल गोल प्याज काट के तो उसमें शामिल करके तो तेज आंच पे इसको फ्राई करेंगे। ये बड़े अच्छे मजेदार से प्याज लगते हैं। तेज आंच पे फ्राई करना है 1 से 2 मिनट, हल्की आंच पे नहीं करना। और सबसे पहले प्लेट में नीचे रखें प्याज फ्राई किए हुए, और फिर ऊपर मटन स्क्यूअर्स रख के डिश आउट कर दे। बहुत ही मजे का मसालेदार सा ये मटन स्क्यूअर्स बनती हैं। आप चाहें तो किसी चटनी के साथ सर्व करें, लेकिन ऐसे ही अच्छी लगती हैं ये। उम्मीद है आपको मटन स्क्यूअर्स की रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।